हेलो गाइस, आई एम राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए एक न्यूज़ पढ़ते हैं, से समझने की कोशिश करते हैं, उसमें देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से इंग्लिश के नए वर्ड्स मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शाह, ठीक है। सनातन धर्म ऑलवेज रूल्ड आर हर्ट्स। तो जो सनातन धर्म है वो हमेशा उसने क्या किया है, रूल्ड आर हर्ट्स, वो हमारे दिलों पर उसने राज किया है, ठीक है। नो वन कैन टेक इट अवे। टेक टेक अवे मीन्स होता छीनना या ले जाना कहीं पे, ठीक है। कोई भी इसे छीन नहीं सकता है फ्रॉम अस, हमारे से, ठीक है। आइए न्यूज़ पढ़ते हैं, से समझते हैं। बॉथ यूनियन होम मिनिस्टर, दोनों केंद्र गृह मंत्री अमित शाह एंड द पार्टीज नेशनल प्रेसिडेंट, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, ठीक है। डिमांडेड, उन्होंने मांग की, डेट की द इंडियन अलायंस, अलायंस मीन्स होता गठबंधन, जो इंडियन का जो अलायंस है, जो गठबंधन है, रिस्पॉन्ड कलेक्टिवली, वो मिलकर क्या करें, रिस्पॉन्ड करें, जवाब दें, किसे, टू अ की कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलीज स्टैंड। तो जो की मीन्स होता मुख्य, तो एक जो मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो कथित जो स्टैंड है, जो रुख है उस पर, ठीक है। किसके खिलाफ था इनका जो स्टैंड, अगेंस्ट हिंदू, हिंदू के खिलाफ जो उनका स्टैंड है, जो रुख है, उस पर वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स होता किसी जिले का पॉलिटिशियन, ठीक है। एट अ रैली इन राजस्थान्स दूनागढ़, तो ये एक रैली में जो राजस्थान के दूनागढ़ में थी, वो हुई थी, ठीक है। शाह सैड शाह ने कहा, दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है, डैट की DMK एंड द कांग्रेस हैड इंसल्टेड, तो जो DMK और जो कांग्रेस है उसने इंसल्ट किए, बेइज्जती किए द नेशंस कल्चर, ठीक है, जो राष्ट्र का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसकी हिस्ट्री और इतिहास की, एंड सनातन धर्म, और सनातन धर्म की, मतलब ये पहली बार बेइज्जती नहीं की उन्होंने। कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑलवेज सेज, जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो हमेशा कहते हैं, डैट कि इफ़ मोदी जी विंस, अगर मोदी जी जीतते हैं, दैन तो सनातन धर्म विल रूल, जो सनातन धर्म है वो राज करेगा। बट लेकिन दे डोंट नो, वो नहीं जानते हैं, सनातन धर्म हैज़ ऑलवेज रूल्ड आर हर्ट्स, जो सनातन धर्म है वो हमेशा हमारे दिलों पे राज किया है उसने। एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम अस, और इसे हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, सैड द होम मिनिस्टर, तो ये गृह मंत्री ने कहा। स्ट्रेसिंग, स्ट्रेस में सोचा जोर डाल के कुछ बोलना, एम्फेसाइज करना, स्ट्रेसिंग दैट, और जोर डाल के उन्होंने कहा, बीजेपीज ओपोनेंट, जो बीजेपी के जो विरोधी हैं, कुड नॉट स्टॉप, वो रोक नहीं सके द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर, तो राम मंदिर के निर्माण को वो रोक नहीं सके इन अयोध्या में। नड्डा टोर इंटू द ऑपोजिशन ब्लॉक, ब्लॉक मिस होता दल, ठीक है। तो जो नड्डा है, टीयर इंटू मिस होता है किसी पे वर्बली हमला करना, शब्दों से, तो जो विरोधी जो गुट है उन पर नड्डा ने हमला किया, ठीक है। कहाँ पर, एट पोल बाउंड MP चित्रकूट, तो जो MP का जो चित्रकूट है जहाँ पर चुनाव होने वाला, वहाँ पर, ठीक है। डिमांडिंग टू, जिसमें वो जानना चाहते थे, इफ़ द रिमार्क्स बाई स्टैलिन सन, जो रिमार्क है, जो टिप्पणियाँ हैं बाई स्टैलिन सन, जो स्टैलिन के सन द्वारा की गई हैं, रिफ्लेक्टेड, वो दर्शाती हैं द ऑपोजिशंस पोल स्ट्रेटजी, तो जो ऑपोजिशन है, जो विरोधी पार्टी है, उसके चुनावी रणनीति को वो दर्शाती है, वो इसे जानना चाहते थे। कांग्रेस कार्ति चिदम्बरम, जो कांग्रेस के जो कार्ति चिदम्बरम है, स्प्रंग टू उदयनिधि डिफेंस, स्प्रिंग टू मिस होता है कम फॉरवर्ड टू डू समथिंग, ठीक है, मतलब आगे आना है, सामने आना या कूद पड़ना, ठीक है। तो जो कांग्रेस के जो कार्ति चिदम्बरम है वो उदयनिधि के डिफेंस में, उसकी रक्षा में कूद पड़े, सेइंग, यह कहते हुए, BJP हैड गिवेन द मिनिस्टर्स स्पीच अ नेगेटिव स्पिन, तो जो BJP है उसने क्या किया है, हैड गिवेन द मिनिस्टर स्पीच, जो मिनिस्टर की, जो मंत्री की जो स्पीच है उसे नकारात्मक मोड़ दिया है उन्होंने, ठीक है। DMK ने कहा, द BJP हैड ट्विस्टेड स्टेटमेंट्स, तो BJP ने क्या किया, जो बयान है उसको ट्विस्ट कर दिया, उसे तोड़ मड़ोड़ के पेश किया है, जब बताया है, ठीक है। उनकी जो स्टेटमेंट थी, तो उन्होंने क्या की थी, मेड अगेंस्ट द कास्ट हायरार्की, जो जात के जो रैंकिंग सिस्टम है, जातिवाद का जो रैंकिंग सिस्टम है, उसके खिलाफ उन्होंने की थी। तो जो BJP ने क्या किया, इंटो वन अगेंस्ट हिंदूज, उन्होंने हिंदूज के खिलाफ इसे कर दिया, ठीक है। हायरार्की मीन्स होता है रैंकिंग सिस्टम। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो जो केंद्र मंत्री हैं राज्य के, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के, राजीव
चंद्रशेखर, ठीक है, एक्यूज्ड, उन्होंने आरोप लगाया उदय निधि पर, किस चीज़ का? ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट सनातन धर्म, सनातन धर्म के अगेंस्ट खिलाफ बोलने का। टू डाइवर्ट पीपल्स अटेंशन, ताकि वो क्या कर सकें, जो लोगों की जो ध्यान है उसे भटका सकें, फ्रॉम DMK's एलिस्ट करप्शन, जो DMK का जो कथित जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ, ठीक है, उसको वो भटका सकें उससे, ठीक है। एज अ कवर फॉर देयर करप्शन, एज अ कवर मीन्स होता है मतलब कवर के रूप में, मतलब कि छुपाने के लिए, फॉर द करप्शन, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। एंड पैरासिटिक बिहेवियर, और जो उनका जो परजीवी जो व्यवहार है, पैरासिटिक मीन्स होता है जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। दे क्रिएट नरेटिव्स, उन्होंने क्या किया, एक कहानी बनाई, मतलब कहानी वो गढ़ते हैं, लाइक प्रोटेक्टिंग द्रविड़ लैंड, जो द्रविड़ लैंड है उनको प्रोटेक्ट करने की, उनको रक्षा करने की कहानी उन्होंने गढ़ते हैं वो। एंड अब्यूज़ हिंदू फेथ, और जो हिंदू की जो आस्था है उनको गाली देते हैं, ठीक है, हिंदू की जो आस्था है, जो धर्म, उसको गाली देते हैं। द ओनली थिंग दे प्रोटेक्ट, वो सिर्फ यही क्या यही इसी चीज़ को बचाते हैं, इज़ देयर ऑन वेल्थ, अपने पैसों को, एंड पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति को बचाते हैं। ही ट्वीटेड, उन्होंने ये ट्वीट किया, तो वो सिर्फ अपने पैसों को और राजनीति को बचाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। TN बीजेपी लीडर, जो TN बीजेपी के जो लीडर हैं, नेता हैं, के अन्नामलाई, अन्नामलाई, ठीक है, एलिस्ड, उन्होंने आरोप लगाया डेट की द DMK हैड अडप्टेड, तो जो DMK है उन्होंने अडप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, एंटी सनातन आइडियोलॉजी, तो जो सनातन विरोधी जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा, उसे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, फ्रॉम द क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरी है उनसे, ठीक है। थीरू उदय निधि स्टैलिन, जो थीरू उदय निधि स्टैलिन है, यू योर फादर, तुम और तुम्हारे पिता, और हिज और योर आइडियोलॉजी, उसकी और तुम्हारी जो विचारधारा हैव अ ब्रॉट आउट आइडिया, वो एक आइडिया है, एक विचारधारा है लाई हुई, फ्रॉम क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज से, ठीक है। एंड द आइडिया ऑफ दोज मिशनरीज, और जो विचारधारा है उन मिशनरियों की, वॉज टू कल्टिवेट, वो पैदा करना है, ठीक है, डिमविट्स, गधों को, मतलब ऐसे डिमविट्स मीन्स होता है ऐसे लोग जो कम दिमाग के होते हैं, डोडो, ठीक है, लाइक यू, तुम्हारे जैसे, टू पैरेट देयर मैलिशियस आइडियोलॉजी, ठीक है, जो उनकी जो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली जो विचारधारा है उनको रटने की, उनको दोबारा बताने की, ठीक है, सेम, मतलब किसी ने कुछ बोला तो वही जाके आपने आगे बोल दिया, उसे बोलते पैरट, ठीक है। द तमिलनाडु इज़ अ लैंड, जो तमिलनाडु एक भूमि है, ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है, अध्यात्म अध्यात्मता की, स्पिरिचुअलिज्म मीन्स होता है एक ऐसे लोग, ऐसा बिलीव कि जो जीवित लोग ये सोचते हों कि वो मृत लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है, उसे स्पिरिचुअलिज्म बोलते हैं। ही सैड, उन्होंने ये कहा, दोज ड्रीमिंग ऑफ इरेडिकेटिंग, ठीक है, वो लोग ड्रीमिंग, जो सपना देख रहे हैं, ऑफ इरेडिकेटिंग, ठीक है, मतलब जड़ से उखाड़ फेंकने का, सनातन धर्म को, विल बी इरेडिकेटेड देमसेल्फ, वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, खुद ही नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये कौन बोला? विश्व हिंदू परिषद। इरेडिकेट मीन्स होता है किसी को जड़ से ख़त्म कर देना। द विश्व हिंदू परिषद स्लैम्ड, स्लैम मीन्स होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, जो विश्व हिंदू परिषद है उन्होंने आलोचना की, किसकी? तमिलनाडु मिनिस्टर उदय निधि मैरोंस कॉल, तो जो तमिलनाडु के जो मिनिस्टर, जो मंत्री उदय निधि मैरोंस की जो कॉल है, जो उनकी जो सोच है, उन पर उन्होंने स्लैम किया, क्रिटिसाइज़ किया, तो क्या सोच थी उनकी? टू इरेडिकेट सनातन धर्म, सनातन धर्म को ख़त्म करने की, एंड वॉर्न, और चेतावनी दी, ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, गंभीर परिणामों की उन्होंने चेतावनी दी, सेइंग, यह कहते हुए, सम पॉलिटिशियंस वर डे ड्रीमिंग, जो कुछ जो पॉलिटिशियन है वो दिन में सपना देख रहे हैं, अबाउट द सनातन धर्म के बारे में, ठीक है, विच द मुगल्स मिशनरीज एंड ब्रिटिश कुड नॉट डिस्ट्रॉय, जो मुगल और मिशनरी और जो ब्रिटिश थे वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, वो सपना देख रहे हैं, ठीक है। आई एम सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज्ड हूँ बाई बॉथ द लैंग्वेज, जो उनकी जो भाषा है, और द स्पिरिट ऑफ स्टेटमेंट, जो उनकी भावना है, ठीक है, उनके बयान की, उनसे मैं सरप्राइज्ड हूँ। किसकी स्टेटमेंट थी? ऑफ द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर सन, जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं उनकी, एंड स्टेट मिनिस्टर, और जो वो राज्य के जो मंत्री हैं, उदय निधि स्टैलिन, ठीक है। दिस काइंड ऑफ थ्रेट्स, इस तरीके की धमकियाँ,
इज ही इज इशूइंग, जो वो दे रहे हैं, ही डिड नॉट इवन कंसिडर हिज ऑन स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उसके बारे में ही विचार नहीं किया कभी एक बार भी, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच अ थ्रेट्स, इस तरीके की जो थ्रेट्स हैं, जो धमकियाँ हैं, उनके जो नतीजे हैं, कुड बी सीरियस, वो खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। वी एच पी प्रेजिडेंट आलोक कुमार, जो बी एच पी के जो अध्यक्ष हैं, आलोक कुमार सैड इन अ स्टेटमेंट, उन्होंने एक बयान में कहा, कुमार सैड, कुमार ने कहा, सनातन धर्म ऑल्सो फेस चैलेंजेस, तो जो सनातन धर्म है उसने चुनौतियों का भी सामना किया है, फ्रॉम मुस्लिमों से, मिशनरीज से, एंड द ब्रिटिश और ब्रिटिश से, येट इट वॉन, उसके बावजूद भी ये जीते, रूल ऑफ द मुगल्स, जो मुगलों का जो शासन था, एंड द ब्रिटिश और ब्रिटिश का जो शासन था, ऑल्सो डिसअपीयर्ड, वो भी ख़त्म हो गया, गायब हो गया, रिमेंबरिंग डैट, यह याद दिलाते हुए, द वन हु टॉक्स, ऐसे लोग जो बात करते हैं, अबाउट डिस्ट्रॉइंग सनातन, सनातन धर्म को ख़त्म करने की, हिमसेल्फ गेट डिस्ट्रॉयड, वो खुद ही नष्ट हो जाएंगे, खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, द वी एच पी प्रेजिडेंट सैड, तो जो बी एच पी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा, ठीक है। ही आस्ड, उन्होंने पूछा, वेदर की स्टैलिन स्टेटमेंट, जो स्टैलिन की जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, वॉज ऑल्सो द स्टैंड ऑफ हिज गवर्नमेंट, क्या वो उनकी जो सरकार है उसका स्टैंड है, उसका रुख है ये या नहीं, ठीक है। इफ सो, अगर ऐसा है, देन तो वी विल टेल द सेंट्रल गवर्नमेंट, हम जो केंद्र सरकार उसे बताएंगे, आर्टिकल 25 and 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो संविधान का जो आर्टिकल है 25 और 26, गिव एवरी पर्सन द राइट, जो हर प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देता है, टू प्रैक्टिस हिज रिलीजन, अपने धर्म का पालन करने के लिए, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये सरकार की ड्यूटी है, कर्तव्य है, टू प्रोटेक्ट इट, इसे इसको बचाने की, ठीक है। एबॉलिशिंग सनातन, एबॉलिश मीन्स होता है किसी को ख़त्म कर देना हमेशा के लिए, ठीक है। एबॉलिशिंग सनातन मीन्स, जो सनातन धर्म को ख़त्म करने का मतलब, डैट की द गवर्नमेंट देयर, जो सरकार है वहाँ, हैज़ डिविएटेड, डिविएट मीन्स होता है भटक जाना, भटक गई है, फ्रॉम द पाथ ऑफ लॉ, तो जो कानून का जो पाथ है, जो रास्ता है, उससे वो भटक गई है, नॉट फॉलोइंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो संवैधानिक जो उनकी जिम्मेदारी है उसको वो फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, ना करके, इन सच अ सिचुएशन, ऐसे हालात में, द सेंटर विल हैव टू थिंक, सेंटर को विचार करना पड़ेगा, अबाउट वॉट ऑप्शन इट हैज़, ठीक, किसके बारे में, कि कौन से ऑप्शन, जो कौन से उनके पास ऑप्शन है उसके बारे में, ठीक है। कुमार सैट, कुमार ने ये कहा। सो गाइस, इसमें जो टफ वर्ड्स हैं ये मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे जाके आप इस न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।